नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें उत्तर प्रदेश एंड अब तक टीवी चैनल। संदीप जी, आप भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। ये बताइए, अगर मान लीजिए सपोज डेट आपको पार्टी मौका देती है, तो वो कौन कौन से प्राथमिक कार्य हैं या कौन सी ऐसी कार्य योजना है जिसको जनता के समक्ष आप लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। सिंगरौली के मुद्दे और सिंगरौली के जो जनहित के मुद्दे हैं, वही हमारे चुनावी मुद्दे होंगे। सबसे बड़ा सिंगरौली जिले के अंदर व्यापक स्तर पे जो लोग सात सात बार, आठ आठ बार, पांच पांच बार एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन हो रहे हैं, मेरा पहला मुद्दा होगा विस्थापन का। विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और जो उस समय की जो नीतियाँ बनती हैं उसका पालन कराना, जो उनके एग्रीमेंट होते हैं उनका पालन कराना। जब जो कंपनियों का भोजन करने के समय विस्थापन नीति होती है, पुनर्वास नीति होती है, उसके अंदर रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं। तो मेरा पहला मुद्दा होगा विस्थापन। दूसरा होगा बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है सर, उस पर आप क्या कर रहे हैं? आज सिंगरौली जिले के अंदर आप देखेंगे, सिंगरौली जिले का जनमानस और परिवार, सिंगरौली जिले के लोग अपने बच्चों को किसी प्रकार से जगह, जमीन, घर बेच करके ग्रेजुएट कराते हैं, इंजीनियरिंग करा करके बाहर भेजते हैं बच्चे। आज सिंगरौली जिले के अंदर एक हमारे मित्र हैं दिल्ली में, वो आकर के सर्वे किए हुए थे, सिंगरौली जिले के अंदर हर तीसरे घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार मिलेगा आपको, इंजीनियर या कोई डिग्रीधारी मिलेगा। तो जो जिस प्रकार से सिंगरौली जिले के अंदर 29 से ज़्यादा कंपनियां होने के बावजूद भी हिंदुस्तान ही नहीं, इंडोनेशिया का जो भूभाग है, इंडोनेशिया के अंदर जो 8-10 देश आते हैं, उन सभी जगहों पे सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन सिंगरौली जिले के अंदर होता है। सिंगरौली जिले के अंदर बिजली उत्पादन हो रहा है, उसमें लगने वाले लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि सिंगरौली जिले के लोगों को, मेरा तो एक नारा होगा लोकल फॉर वोकल, लोकल फर्स्ट, लोकल ही प्रथम होगा, प्राथमिकता होगी। और ये 70-75 नहीं, लोकल लोगों की, विस्थापित परिवार के लोगों की और जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनका 95% हिस्सेदारी होनी चाहिए। 5% के लोगों को, टेक्निकल लोगों को बाहर लोग रखा जाए, ये हमारा दूसरा होगा। सर एक सवाल और है कि जो तमिलनाडु, मद्रास और गुजरात से आके लोग यहाँ काम कर रहे हैं अभी में, उसके लिए आपने अभी तक कोई कार्रवाई की? उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए देखिए एक पूरे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, एक पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप ऊपर से आकर के नीचे नहीं, जमीन से होकर के ऊपर जाना पड़ेगा जी, पूरा एक नया डायग्राम सेट करना पड़ेगा। जब तक आप उसमें पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी, वहीं पहले आप इंटरव्यू, पहले फॉर्म जमा करो, फॉर्म 1000 जमा हुए, 1500 हुए, उसका सूची जैसा लिख कीजिए, फिर कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लेने वाले लोग कौन है, दलाल टाइप के लोग तो नहीं बैठे हुए हैं, उसकी पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। फिर तीसरे चरण में कितने लोगों की भर्तियाँ हुई लोकल स्तर पर, फिर वो सूची जारी करनी पड़ेगी। तब कहीं जो ओबी कंपनियाँ, आस पास की कंपनियों के अंदर जो व्यापक स्तर पर लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ, पैसों के दम पे विधायक, सांसद, अंतरी, मंत्री, संतरी के लोग जो लग रहे हैं, ये तब कहीं बंद हो पाएगा और नए लोग इसमें घुस पाएंगे, लोकल लोग लगा पाएंगे। आपने बात की लोकल फॉर वोकल 95%, शायद संदीप जी आपको भी अनुभव होगा, किसी भी कंपनी की नींव या कोई भी कंपनी किसी राज्य से जब आती है तो अपने साथ वहां से पहले लोकल वर्कर लेके आती है, ठीक, उसके बाद स्किल बेस्ड उन लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। क्या कारण है कि यहाँ पे स्किल्ड होने के बाद भी यहाँ के लोगों को इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है? मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उस पॉलिसी को बना करके जैसे जो लोग स्किल्ड नहीं है उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको पहले स्किल्ड बनाना पड़ेगा। स्किल्ड कराने के बाद फिर जैसे कि लोग आए, इंटरव्यू दिए, जो लोग पैसा पहुँचा दिए इंटरव्यू में पास हो गए, जो पैसा नहीं दिए इंटरव्यू में फेल हो गए। इस पूरे सिस्टम को ही नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसमें बैठे बैठने वाले लोगों को समझना पड़ेगा, कट लोगों को उससे बाहर करना पड़ेगा, नियत साफ रखना पड़ेगा, तब कहीं इसमें जाकर के सुधार हो पाएगा। अभी यहाँ पे हम लोकल तमाम
ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपकी हैं तो सिंगरौली के मालिक, लेकिन सबसे पहले बाहरी लोगों को प्रेफर करते हैं नौकरी देने के लिए, ऐसा क्यों? इसका एक मूल कारण है, जब तक साफ नियत के नेता नहीं आएंगे, और नेता वो विधायक, सांसद, मंत्री, सत्ता और सरकार के सिस्टम जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक इसमें बदलाव नहीं हो सकता। कारण क्या है, वो जो पैसा पहुंचा दे रहा है आज विधायक, सांसद, मंत्री के यहाँ, उन्हीं लोगों को चीट पे लिख करके वो भी कंपनी के अंदर भेजा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है। इस प्रथा को पहले बंद करना पड़ेगा, इस प्रथा को हम पहले प्राथमिकता देंगे और उसको बंद करने का काम करेंगे। सिंगरौली में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, आपको पता है ये आने वाले 15 से 20 साल बाद सिंगरौली की भविष्य क्या होगी? क्योंकि अभी मोदी जी दावोस गए थे, उन्होंने बोला था कि हम 2030 से लेकर 2040 तक ग्रीन एनर्जी की तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, समझिए पहले ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। इस हिसाब से आने वाले समय में यहाँ के पावर प्लांट की स्थिति ऐसी दिख रही है कि मतलब बंद हो जाएंगे, तो क्या यहाँ के विस्थापित, क्या यहाँ के लोकल जो भी है उनकी स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में आपका, अगर आपने कभी इसके बारे में वो गौर किया है? देखिए, जो पूरा सिंगरौली जिला हमारा, सिंगरौली जिले का आय का साधन क्या है? बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन में यूज क्या क्या होता है? कोयला और पानी। सबसे बड़ा खनिज संपदा का जो भंडार है हमारे पास, कोयला है, काला हीरा है जी, उसी से चीजें पूरी सिस्टम चल रही है। लेकिन ये भी एक समय तक ही रहेगा, आज आधे से ज्यादा 70% सिंगरौली को खो दिया गया है, कोयला निकाल लिया गया है, लेकिन कोयला भी तो सीमित है ना। अब जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, ग्रीन सिस्टम मोदी जी दावोस गए थे लेके आ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में इसके अतिरिक्त भी देश के लोगों को विचार करना पड़ेगा। कोयला नहीं है हमारे पास तो बिजली कैसे उत्पादन होगी? एक अंतिम सवाल है सर, क्या जैसे कमलनाथ जी ने घोषणा किया लाडली बहनों लोग के लिए देने के लिए, और शिवराज सिंह ने, क्या आम आदमी पार्टी भी एक घोषणा करेगी कुछ? देखिए, हमारे कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बिंद के धरा सतना में आ रहे हैं। कल वो आके के वहाँ पे जनसभा को, टाउन हॉल एक कार्यक्रम वहाँ संबोधित करेंगे, और अपनी कुछ गारंटियाँ, उस गारंटियों को भी वो सार्वजनिक करेंगे, तो वो चीज़ें कल स्पष्ट हो पाएंगी क्या क्या वो घोषणा करते हैं जी। धन्यवाद सर।